जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह ने करनाल में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मंडियों में गेहूं की खरीद निरंतर जारी है। गेहूं खरीद के दौरान मंडियों में किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों की रजामंदी से ही हरियाणा सरकार द्वारा किसान की फसल की अदायगी सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। आपको बता दें कि ACS ने शुक्रवार को करनाल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान वह मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने किसानों से बातचीत की और खरीद के बाद शीघ्र उठान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रथम श्रेणी की अधिकारी की देखरेख में मंडियों में खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों को इस बार दिक्कत आ रही है कि किसान की फसल की पेमेंट किसान के खाते में क्यों जा रही है। पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। प्रदेश के 55% किसानों ने सरकार की इस योजना में रजामंदी व्यक्त की थी, परंतु इस बार करीब 75% लोग किसानों को उनकी फसल की सीधी पेमेंट पर राजी हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि जो भी लेन देन आढ़तियों के साथ है, खाते में पेमेंट आने के बाद वे आढ़तियों का हिसाब करें, आपसी भाईचारा बनाकर रखे। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ACS को जिले की मंडियों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी और कहा कि किसानों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। जिला की सभी मंडियों में खरीद व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अधिकारी गेहूं खरीद पर नजर बनाए हुए हैं। जो गेहूं की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद ठीक हो रही है जी। गेहूं का ऐसा है कि करनाल मंडी में पिछली बार जितना हुआ था, अभी तो मुश्किल से मेरे ख्याल 1 तारीख को शुरू हुई, आज 8 ही तारीख हुई है, 9 है बल्कि आज, तो लगभग 20-25% की अराइवल हुई है गेहूँ की यहाँ पे, जो रूट जो जितनी एक्सपेक्टेड है उसके मुकाबले, और उसमें मोर देन 50% मेरे ख्याल खरीद हो चुकी है और बाकी खरीद जारी है। और एजेंसियों को बड़ी क्लियर हिदायतें हैं कि भाई साथ खरीद करेंगे और खरीद में कोई अड़चन नहीं आएगी और साथ साथ लिफ्टिंग भी करवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी देख भी रहे हो, अभी तो कोई ऐसी क्राउडिंग है नहीं मंडी में, और यहाँ पर बाकायदा हर मंडी में एक सीनियर ऑफिसर DFSC यहाँ पर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, और यहाँ SDM साहब हैं, उनकी यहाँ ड्यूटी भी ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पूरी इसकी परचेज़ की और लिफ्टिंग की पूरी इंचार्ज हैं, जो देखती रहती हैं कॉन्टीन्यूसली कितनी परचेज़ हुई कितनी लिफ्टिंग हुई। तो इस बारी काफ़ी स्मूथ अरेंजमेंट है, पूरे ज़िले में परचेज़ और लिफ्टिंग का अलग से अरेंजमेंट है। हर मंडी में ग्रीवेंसेज को रिड्रेस करने के लिए क्लास 1 ऑफिसर की ड्यूटी है, जो बाकायदा ये देखते हैं कि उस मंडी में कोई समस्या ना है। सर, आढ़तियों वाली परेशानी चल रही है पूरे? नहीं, आढ़तियों की देखो ऐसा है कि अभी भी आढ़तियों का बड़ा क्लियर व्यू है। आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब में भी ये स्टेटमेंट आई है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है, क्योंकि ये खरीद आपको पता है गेहूं और चावल की खरीद जो है भारत सरकार करती है, और भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर के खाते में नहीं जाएगा तो हम परचेज नहीं करेंगे, फिर आप अपने स्तर पर कर लो स्टेट के लेवल पर। और जो मेरी सूचना ये है कि अखबार में जो पता चला है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा हमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम 10 अप्रैल से इसको चालू कर देंगे। तो इसलिए हर जगह अब ट्रेंड ये है, कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है शुरू में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भाई कई सालों से चला ऐसा आ रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा हरियाणा में तो ये व्यवस्था 2 साल से चल रही है, और तब फार्मर से कंसेंट ली जाती थी कि भाई आप बताओ कितना परसेंट किसान ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आए, तो पिछली बार ये फिगर जो है हमारी 55% के करीब थी, और इस बारी जो कंसेंट मांगी गई थी किसानों से 75% किसानों ने ये कहा जी हमें इसी दिखाते हुए। अभी भी 10-20% हो सकते हैं ऐसे फार्मर जो कहेंगे जी नहीं आढ़ती के दे दो, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर्स अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट हमारे खाते में सीधी। सर, 2 दिन में कल में और आज में कितने किसानों की सर डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से खरीदी गई है? डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से ये सारी जितनी है कितनी है, दो हमारी कितनी खरीद हुई है यहाँ पे कल शाम रात को सर करीब 12,000 तो हमारे प्रोग्रेसिव 52,000 हो चुकी है सर। हाँ, और करनाल की 9100 क्या है कल शाम से सर, तो ये डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से ही हुई है ना? ये सर सारी डायरेक्ट पेमेंट के हिसाब से 91 पूरी कंप्लीट जो कल और आज सर हड़ताल चल रही है। कल में 12,000 क्विंटल रात तक, 11-12 कल रात के 11 बजे तक चली है, 12,000 खरीदी गई, और अभी ये जैसे टोटल करनाल की दिखा रहे हैं ये टोटल क्यूमुलेटिव है, ये सब क्यूमुलेटिव है। अराइवल कितनी हुई है यहाँ पे? सर अराइवल लगभग 20,000 के आसपास है, करनाल मंडी में 20,000 टन लगभग 50% खरीद ली वो डायरेक्ट। 9,000 टन समाधान निकलेगा सर ये जो हो रहा है? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर निकलेगा समाधान। आप ये बताओ ना, ये एक टेक्निकल सा इशू है भाई, मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि किसान के खाते में, सरकार की तो मंशा है कि किसान के खाते में चली जाए, खासतौर पर जिसने अपनी कंसेंट दी है, उसके बाद अगर कोई लेन देन है मान लिया आढ़ती की उसकी, तो लेन देन फिर भी हो सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। अगर मान लिया किसान की और आढ़ती कोई लेन देन है, आपस में नहीं होता है समाज में लेन देन, वो लेन देन फिर भी चलता रहेगा। तो किसान सरकार के हिसाब से तो ये मानी जाती है कि भाई जिसकी फसल यहाँ आई, फसल कौन लेके आया? किसान लेके आया,
उस फसल की पेमेंट उसके ही खाते में जानी चाहिए, लेकिन उसके फसल के लाने से पहले कोई आपस की लेन देन है तो किसान और वो आड़ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर उठान नहीं हो रहा उसके लिए? नहीं नहीं, उठान बकायदा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उठान के लिए। उठान के लिए तो हमने स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है। इस बारी तो एक एक जो ट्रांसपोर्ट के जो ठेका दिया गया है उस ट्रक का मैप किया हुआ है कि कौन से गोदाम में कौन सा ट्रक जाएगा और वो किस आड़ती से उठाएगा, उसका भी सिस्टम बिल्कुल ये इस बारी ट्रांसपेरेंट है। अभी जब आपके सामने बात हो रही थी कि भाई जो भी कार्ड आड़ती है, मान लिया ये कहेगा जी मेरी परचेज होगी, मैं रेडी हूँ लिफ्ट कराने के लिए, जिसकी बैगिंग स्टिचिंग होगी उसी हिसाब से डायरेक्टली सिस्टम से इमीडिएटली वहीं पे ट्रांसपोर्ट पहले जाएगी, कोई ऐसा नहीं डिस्क्रिशन है, तो भाई सिस्टम से चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक